हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में मैं जाने वाला हूँ अपने वही डेजर्ट विलेज में जो मेरे को पिछले वीडियो में मिला था। और मैं उन लोग को वर्क स्टेशन देने वाला था कि उन लोग मेरे काम आ सके। मैंने दो लैक्टन लिए, एक ब्लास्ट फर्नेस लिया है और एक फेचिंग टेबल लिया है। तो इधर ही आसपास ही मेरा घर था वो वाला, तो मैं उधर चलता हूँ। इधर ही मुझे याद है, और मैंने उधर बहुत सारे बेड्स लगा दिए जिससे बहुत सारे बच्चे भी हो जाए उन लोग के। तो ये इसे तोड़ना है, इसके पीछे ही है उन लोग का घर। मैंने ब्लॉक करके रखा है मुझे लगता है, पर मैं सोच रहा इधर एक लीवर लगा दूं दोनों तरफ से ताकि मैं आ जा सकूं, और एक आयरन का डोर लगा के उधर लीवर लगाऊं, ऐसा सोच रहा हूँ मैं। पहले तो सो जाता हूँ, ये जॉम्बीज आएंगे भाई। और इन लोग पता नहीं आयरन गोलम भी नहीं स्पॉन कर रहे हैं, क्यों इन लोग की मर्ज़ी क्या पता। देखो कितने सारे बच्चे इन लोगों ने कर दिए हैं। पहले तो मैं सोचा इसको हटा देता हूँ, डर्ट को हटा देता हूँ यहाँ से ताकि मुझे वापस ऊपर जाने के लिए काम आएगी। चलो तो फिर मैं पहले ऊपर जाता हूँ यहाँ से। अरे ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है पता नहीं मेरे को। चलो तो फिर मैं बाहर तो आ गया हूँ यहाँ से। अब मेरे को इन लोग का एरिया जो एक्सटेंड करना है, तो मैं फटाफट यहाँ से इन लोग का एरिया एक्सटेंड करता हूँ, फिर आपको से मिलता हूँ। क्योंकि मुझे अभी थोड़ा बहुत हाथ से सैंड माइन माइन नहीं, मतलब वही तोड़ना पड़ेगा और निकालना पड़ेगा, माइन करना पड़ेगा, क्या पता मैं क्या बोल रहा हूँ भाई। तो मुझे थोड़ा बहुत हाथ से काटना पड़ेगा वो सैंड को माइन, तो उसके लिए टाइम लगेगा। तो मैं फटाफट इन लोग का ये एरिया बना देता हूँ, फिर आप लोग से मिलता हूँ। मैंने इस एरिया को थोड़ा सा ही बढ़ा के, ज़्यादा बढ़ाना तो नहीं किया अभी तक। इधर एक लैंटर्न लगा देता हूँ मैं, इसको वापस फिल कर देता हूँ, नहीं तो यहाँ पे मतलब भाग जाते सारे विलेजर के बच्चे, तो एक ब्लॉक के गैप में भी भाग जाते हैं। उसके लिए मेरे को एक एक ब्लॉक भी सील करना पड़ता है। देखो इसके अंदर से भी अभी बच्चे आने लगेंगे इतने एक ब्लॉक का, ये तो फिर भी अभी उन लोग छोटे इसीलिए आते मेरे को तो लगता है। और अभी मैं सोच रहा हूँ इसके नीचे से एक मेट्रो बनाने के लिए सीधा मेरे घर तक। और आज मैं ज़्यादा मतलब ये क्या बोलते एनर्जी में नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत बुखार है इसीलिए सॉरी, आज मैं थोड़ा एनर्जी में नहीं बोल रहा हूँ। तो फटाफट मैं इन लोगों का ये एरिया एक्सटेंड करता हूँ, फिर मिलता हूँ आप लोग से। जो मैंने दो लैक्टन्स बनाए थे अभी उन्हें रख देता हूँ। ये वाला थोड़ा रॉन्ग प्लेस हो जाता था, पर चलेगा, मैं बाद में कभी सिलेक्टर से इसे तोड़ दूँगा। मेरे ख्याल से ऐसे तोड़ने पे ये टूट जाता है और हम लोग को लैक्टन वापस नहीं मिलता, इसीलिए अगर ऐसा नहीं है तो आप लोग मुझे बता देना कि मैं उसे नॉर्मल पिकेट से तोड़ सकता हूँ कि नहीं। तो मैंने चार ही वर्क स्टेशन लाए थे अभी के लिए, तो और मैंने शायद बहुत सारे पेपर्स मुझे लाने हैं ताकि मैं इन लोग से ट्रेड कर सकूं। तो मैं फटाफट अभी सोच रहा हूँ पेपर्स लेकर आऊँ बहुत सारे। तो अभी तो इन लोग को वर्क स्टेशन दे दिया, तो मैं पहले जाके पेपर लेकर आता हूँ बहुत सारे। ये अपने घोड़े की वजह से अपना ट्रैवल बहुत ही अच्छा हो जाता है भाई। देखो मैं कितना फास्ट मतलब इसे ट्रैवल कर पाता हूँ, इसीलिए तो मैं इसका नाम क्या रखूँ, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो मैं खुद से ही रख दूँगा। मैंने जो नाम सोचा है वो है फेदर, अगर आप लोग कुछ और चाहते हो तो मैं वो भी रख सकता हूँ घोड़े का नाम। आपने फिर एक और घोड़ा घोड़ा पकड़ लूँगा और उसका नाम रख दूँगा। तो जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो मैंने चार स्टैक कोल लिया है, चार नहीं तीन और आधा स्टैक कोल, और फिर मैंने पेपर लिया है बहुत सारा। तो फटाफट मैं उस एरिया में पहुँचता हूँ अपने डेजर्ट विलेज के इधर, और फिर आप लोग से मिलता हूँ। चलो तो फिर मैं उधर तो आ चुका हूँ, और ये वाली वीडियो भी थोड़ी छोटी होने वाली है क्योंकि आप लोग को तो पता ही है, मैंने बता दिया जैसे कि मुझे थोड़ा बुखार टाइप है आज, तो इसलिए मैं थोड़ी छोटी वीडियो बना रहा हूँ ये। तो अब मैं इधर आ गया, तो फटाफट पहले ट्रेड कर लेता हूँ। और आप लोग को मतलब बहुत ही हैरानी होगी कि मुझे मतलब मैंने दो ही लैक्टेंस लगाई और मुझे एक ऐसा विलेजर मिल गया जो मेंडिंग दे सकता है मुझे। देखो ये मुझे मेंडिंग दे सकता है, मेंडिंग वन। तो मैं इसी से पहले पेपर ट्रेड करूँगा और इसी के लेवल्स बढ़ाऊँगा। फटाफट इसे पेपर ट्रेड कर लेता हूँ मैं बहुत सारा। सेकेंड लेवल इसका अनलॉक हो चुका है शायद से, या फिर नहीं, क्योंकि हाँ इसका सेकेंड लेवल तो अनलॉक हो गया है, अब थर्ड लेवल करने का है मुझे। पर इसका तो पेपर ट्रेड नहीं हो रहा अभी। मैं सोच रहा हूँ ये ले लेता हूँ बेन ऑफ, नहीं ये नहीं, फ्रॉस्ट वॉकर नहीं चाहिए मुझे, बेन ऑफ आर्थ्रोपोड चाहिए। इसको भी अभी मैं ट्रेड कर लेता हूँ, इसके पास बेन ऑफ आर्थ्रोपोड। तो मैं इसके जो सेकेंड वाले में है बेन ऑफ आर्थ्रोपोड, तो मैं वो ले लूँगा इससे, और उस वाले से मैं एक मेंडिंग ले लूँगा। तो फटाफट मैं इन लोग से ट्रेड कर लेता हूँ, इसका भी ख़त्म हो गया भाई। अब ये ले ही लेता हूँ, सोच रहा हूँ मैं बेनू फार्थ तो पोर्ट थ्री है,
मेरे पास एक स्वॉर्ड है, उसके तो पहले से ही 4 या 5 है, पर ये भी हम लोग को आगे काम हो सकते कभी हम लोग ने वो स्वॉर्ड खो दी तो। तो मैं इससे सोच रहा हूँ मेंडिंग लेने के लिए, पर मेंडिंग के लिए मुझे लगता है पहले कोल्ड थोड़ा ट्रेड करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। हाँ मेरे पास 12 ही है और मुझे 22 चाहिए, यानी और 10 चाहिए, तो मैं आर्मरर से पहले वो ट्रेड कर लेता हूँ। और मैं सोच रहा हूँ अगली बार ये फेचिंग टेबल वाले को जो भी बोलते हैं उससे भी मेरे को स्टिक ट्रेड करना है, तो अगली बार मैं पहले स्टिक्स ला दूँ। और अभी मेरे पास इतने सारे विलेजर्स हो ही गए, तो मैं सोच रहा हूँ इन लोग से क्या बोलते हैं, हाँ एक आयरन फार्म बनाने के लिए, तो मैं डेजर्ट के इधर ही बनाऊँगा ताकि मेरे को ईजी पड़े। तो अभी मैं चेक करने वाला हूँ जल्दी, उसका भी वीडियो डाल दूँगा। और मैंने एक ऑटोमेटिक शुगर केन फार्म भी बनाया अपने घर के इधर, पर मैंने उसकी वीडियो नहीं डाली क्योंकि उसकी वीडियो बहुत ही छोटी हो रही थी और मुझे ट्यूटोरियल वीडियो ज़्यादा पसंद नहीं है और मेरे वर्जन में वो काम भी नहीं कर रहा है। मैं आप लोग को किसी वीडियो में उसका एक लुक दे दूँगा, पर वो काम तो नहीं कर रहा, तो मुझे कुछ उससे फ़ायदा नहीं हुआ, इसीलिए मैं उसकी वीडियो नहीं बनाया। वो ऑटोमेटिक इसलिए क्योंकि अगर हम लोग इस वर्ल्ड में कुछ माइनिंग वाइनिंग कर रहे हैं तो वो मतलब थोड़ा बहुत तो निकाल ही सकता है शुगर केन ऑटोमेटिकली, तो वो अच्छा होता है। तो मैं फटाफट इन लोग से सारी ट्रेड ख़त्म करता हूँ और फिर आता हूँ। मैंने सारी ट्रेड तो ख़त्म कर दिया, अब मैं जा रहा हूँ अपने घर की तरफ। और ये घोड़े की वजह से ही हम लोग का ट्रैवल बहुत फास्ट हो जाता है, देख रहे हो आप कितना फास्ट मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। और जब मैं चल के जाता तो मुझे इतना टाइम लगता है, मेरा वापस जाने का मन भी नहीं करता है, इसीलिए कि मतलब वापस जाके कुछ सामान लेकर आऊँ। सोचता इधर का ही सारा काम कंप्लीट करता हूँ, अगली बार आएगा तब वैसा कुछ कर लूँगा। तो आज के वीडियो के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आज की वीडियो छोटी है क्योंकि मुझे थोड़ा बुखार है इसीलिए। तो चलो भाई, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।